जय श्री हनुमान। हनुमान जी महाराज की कृपा से श्रद्धालु थनाली गांव जो जोताना तालुका महेशाना डिस्ट्रिक्ट में है वहां से अमेरिका न्यूयॉर्क में इस बार विशेष रूप से धूमधाम से मनाने को तत्पर हैं हनुमान जयंती। इसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई भावेश पटेल जी से। आइए तो भावेश पटेल मेरे साथ जो हैं उनका जो समर्पण है वो कमाल का है। भावेश जी आप एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जो लोगों की जिह्वा तक स्वाद लेकर पहुंचता है, तो आपका खुद का फेवरेट क्या डिश है? सो ज़्यादातर मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे गुजराती फूड बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मैं यहाँ पे देखो एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ बन रही है, लेकिन मैं मेरे बीवी का हाथ का खाना भी मतलब गुजराती व्यंजन ही पसंद करता हूँ। अभी गुजराती व्यंजन में कौन सा व्यंजन? सो मतलब हमारा तो देखो खिचड़ी होता है, कढ़ी होता है, भाखरी और गुजराती तरह तरह की सब्जियां होती है, उंधी है, भिंडी मसाला वगैरह। तो ये उषा फूड्स जो है रियल उषा के साथ में आप जुड़े हुए हैं और कुछ सही सही बातों में लेते हुए मैं आपके गांव की तरफ जा रहा हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि हनुमान जयंती के ठीक पहले जब मैं भावेश भाई के साथ बैठा हूँ तो वो हनुमान जी के समर्पण के साथ में ये कार्यक्रम अपने गांव वालों के साथ मिलकर कर रहे हैं। उसके पीछे भी एक खास बात है कि उनके गांव में हनुमान जी का वो स्वरूप है जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, क्या नाम उनका है? सो जो हमारा गांव का नाम धनाली है, सो जो हनुमान जी महाराज का नाम भी हमने धनाली हनुमान दादा ऐसा नाम रखा है। सो वो अपने आप मतलब जमीन से निकले, वो बहुत पुरानी कहानी दादा परदादा अपने टाइम की है। सो जो गाय चराने आते थे तो उस टाइम में जो गाय वही एक ही जगह पे जाके वहाँ पे एवरी टाइम दूध दिया करती थी, तो वो सोचता रहता है कि ये गाय एवरी डे कहाँ से इसका दूध कहाँ चला जाता है। सो वो ग्वाल ने ऐसे देखा तो एक ही जगह पे एवरी डे हुआ करता था, वहाँ जाके देखा उन्होंने तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति वहीं पर दिखाई दी। सब गांव वाले इकट्ठे हुए, सो श्रद्धापूर्वक सब लोगों ने मिलकर छोटा सा मंदिर बनाया। अभी देखो हमारा गांव में एवरी साल हर्षोल्लास से हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है और करते हैं। ये 17 तारीख को भी है, कल सैटरडे है, गांव में हमारे सैटरडे को मनाया जाएगा हनुमान जयंती के दिन। और परसों में यहाँ भी हिंदू टेम्पल फ्लसिंग में हमने बहुत बड़ा आयोजन किया है, गांव के लेके 150-200 लोग इकट्ठे हो गए, भाई बहन सब वगैरह साथ मिलके भगवान का नाम लेके सुंदर पाठ का आयोजन किया है, तो उसका भी लाभ लेंगे हम। और अच्छी तरह के वो गेम सब वगैरह आयोजन किया है, अगर टाइम मिले तो आप भी वहाँ पे आना अशोक जी। बिल्कुल, तो भावेश भाई के साथ में एक तो ये मैं फिर से दोहराऊं कि गांव का नाम है धनाली, तो वहाँ पे धन बहुत मिलता होगा ऐसा लगता है, और धन वाले लोग अमेरिका में ये मतलब 150 लोग गांव के यहाँ पर या न्यूयॉर्क में, ये भी बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे याद आया एकदम समानांतर कथा आती है जो श्रीनाथ जी का प्राकट्य है, वहां भी इस प्रकार से गाय जाकर दूध दे रही थी, आपको शायद पता होगा, तो करीब करीब कुछ बातें उसी तरह की घटित होती हैं जहाँ दिव्य स्वरूप के प्रकटन की बात होती है। और ये मुझे बड़ा नया सा लगा क्योंकि श्रीनाथ जी का तो मैंने अधिक सुना हुआ था, हनुमान जी के इस धनाली स्वरूप के बारे में आपसे जानकारी मिली। उसको लेते हुए जब हम सुंदरकांड का पाठ भी आप करने वाले हैं तो हनुमान जी को गुरु रूप में हम भी देखते हैं, जय जय हनुमान गुरुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और ये हम जो बात अनौपचारिक रूप से कर रहे हैं तो विजू भाई हमारे जो हैं वो इसको रिकॉर्डिंग करने में बहुत मदद कर रहे हैं, तो उनके हाथों में वो हनुमान जी शक्ति दें कि वो फोन पे ठीक ठीक हमारे संतुलित रिकॉर्डिंग करते रहे। लेकिन एक बात ये है जब हम शुरू करते हैं ना हनुमान चालीसा तो हम कहते हैं क्या कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज बुद्धि ही न तनु जान के सिमरो कौन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। तो बल बुद्धि और विद्या पे थोड़ी सी बात करते हैं बहुत संक्षेप में आपके साथ में, और व्यवसाय की दृष्टि से तो जो बुद्धि आप समझते हैं कि व्यवसाय में आप प्रयोग करते हुए जो भी जिनके लिए आप सेवा कर रहे होते हैं आपके मन में होता है कि इसका काम ठीक ठीक हो जाए तो आप मुनाफे से अधिक इस पर अधिक ध्यान देते हैं, ऐसा मुझे आपकी बात से और व्यवहार से लगता है कि आप दूसरे को हित हो, ये आपकी सफलता में इससे आपको सहायता मिलती है या कई बार नुकसान भी हो जाता होगा?
ऑब्वियसली कभी कभी होता है, पर लेकिन और एक या दूसरी तरह से हम उसको मतलब के ऊपर भगवान की कृपा से मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। पर कुछ चीज़ के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है, ऐसा नहीं होता हर एक चीज़ के हमें मुनाफा ही देखना चाहिए। कुछ रिलेशनशिप्स भी होती है, ह्यूमैनिटी भी होती है, सो हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, ठीक है। सो वही मेरा मेन कंसर्न होता है। जैसे मैंने आपको बात किया है कि भी किसी का भी कैटरिंग हो या बंदे इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके लिए अच्छी तरीके से टाइम से फ्रेश अच्छा खाना दो, उनका जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से कंप्लीट हुए, वही मेरा प्रायोरिटी होता है। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमारी फैमिली के तो कमाते ही है, लेकिन हमारे कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम किसी को कैसे मदद कर रहे हैं, वो हमारा पहला फर्ज होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं प्रायोरिटी देता हूँ। तो बहुत सारा धन्यवाद इनका करते करते मैं हमारे इस संस्थान के साथ जो अभी विशेष रूप से उन्होंने लिया रियल उषा और ये फेवर अशोक वोरा जी, उनको भी मैं ऐसे स्मरण कर रहा हूँ कि उनके मन में भी सेवा भावना इस प्रकार की है कि कम्युनिटी का भी काम हो। उनका नाम लेने के साथ साथ में मैं समापन करते करते भावेश भाई आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई लोग सोचते हैं भाई मुंबई हुआ न्यूयॉर्क यहाँ पे तो सब लोग सिर्फ मेटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाले होंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मीयता से जुड़ने जोड़ने की जो एक भावना है वो बिल्कुल जागृत है और उसका एक जागता हुआ रूप एक तो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तो कैमरे के पीछे है और एक ये रहे हमारे भावेश भाई। तो बहुत सारा भावेश भाई का धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा और हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री हनुमान। हनुमान जी महाराज की कृपा से श्रद्धालु धनाली गांव जो जोताना तालुका महिषाना डिस्ट्रिक्ट में है वहां से अमेरिका न्यूयॉर्क में इस बार विशेष रूप से धूमधाम से मनाने को तत्पर हैं हनुमान जयंती। इसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई भावेश पटेल जी से।